प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दो बादशाहों का बेहतरीन वाकया बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल देखें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद हजरते सैयदन अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि पहली उम्मतों में एक बादशाह था, खूब शानो शौकत से उसके दिन गुजर रहे थे। एक दिन उसकी किस्मत का सितारा चमका और वो अपनी आखिरत के बारे में गौरव फिक्र करने लगा और सोचने लगा कि मैं जिन दुनियावी आसाइशों में गुम होकर अपने रब को भूल चुका हूँ, अनकरीब ये सारी नेमतें मुझसे छीन ली जाएंगी। मेरी हुकूमत, मेरी बादशाहत ने तो मुझे अपने पाक परवरदिगार की इबादत से गाफिल कर रखा है। चुनांचे वो रात की तारीकी में अपने महल से निकला और सारी रात तेजी से सफर करता रहा। जब सुबह हुई तो वो अपने मुल्क की सरहद उबूर कर चुका था। उसने साहिली समुंदर का रुख किया और वहीं रहने लगा। वहां वो ईंटें बनाकर बेचता, जो रकम हासिल होती उसमें से कुछ अपने खर्च के लिए रख लेता और बाकी सब सदका कर देता। इसी हालत में उसे काफी अरसा गुजर गया। बिलाखिर उसकी खबर उस मुल्क के बादशाह को हुई तो उस बादशाह ने पैगाम भेजा कि मुझसे आकर मिलो, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया और बादशाह के पास ना गया। बादशाह ने फिर अपना कासिद भेजा और उसे अपने पास बुलवाया। उसने फिर इनकार कर दिया और कहा, बादशाह को मुझसे क्या गर्ज है और मुझे बादशाह से क्या काम कि मैं उसके पास जाऊं। जब बादशाह को ये बताया गया तो वो खुद घोड़े पर सवार होकर साहिले समुंदर पर आया। जब उस नेक शख्स ने देखा कि बादशाह मेरी तरफ आ रहा है तो उसने एक तरफ दौड़ लगा दी। बादशाह ने जब उसे भागते देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन वो बादशाह की नजरों से ओझल हो गया। जब बादशाह उसे ढूंढ ना सका तो बुलंद आवाज से कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम मुझसे खौफ जदा ना हो, मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ। जब उस नेक शख्स ने ये सुना तो वो दोबारा बादशाह के सामने आ गया। बादशाह ने उससे कहा, अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए, तू कौन है और कहां से आया है? उसने अपना नाम बताया और कहा, मैं फला मुल्क का बादशाह था। जब मैंने गौरव फिक्र किया तो मुझे मालूम हुआ कि मैं जिस दुनिया की दौलत में मस्त हूँ, ये तो अनकरीब फना हो जाएगी, और इस दौलत वह हुकूमत ने मुझे गफलत की नींद सुला रखा है। चुनांचे मैंने अपने तमाम साबिका गुनाहों से तोबा की और तमाम दुनियावी आसाइशों को छोड़कर दुनिया से अलग थलग अपने रब की इबादत शुरू कर दी। अल्लाह मेरी इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जब बादशाह ने ये सुना तो कहने लगा, मेरे भाई, जो कुछ तूने किया मैं तो तुझसे ज्यादा इसका हकदार हूँ। ये कहते हुए वो घोड़े से उतरा और उसे वहीं छोड़कर उस नेक शख्स के साथ चल दिया। चुनांचे वो दोनों बादशाह एक साथ रहने लगे और अब वो हर वक्त अपने रब की इबादत में मसरूफ रहते और उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, हमें एक साथ मौत देना। चुनांचे उन दोनों का एक ही दिन इंतकाल हुआ और उनकी कब्रें भी एक साथ ही बनाई गई। ये हिकायत नकल करने के बाद हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैं मिस्र में होता तो उनकी कब्रों की जो निशानियां हमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताई है,
मैं उनकी वजह से उन्हें जरूर पहचान लेता और तुम लोगों को वो कब्र जरूर दिखाता। दोस्तों ये था वाकया दो बादशाह की तौबा का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।